नमस्कार, डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान। सुप्रिया जी, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सुप्रिया जी, इस वक्त बड़े दुख दिल से इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं और आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने प्रोटेस्ट भी किया था बार एसोसिएशन की तरफ से भी मणिपुर के अंदर, जिस तरह से वहां से नारियों के साथ किया गया है, ठीक है, निंदा पूरा देश करता है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वहां, पहले तो ये हुआ ही क्यों? पुलिस कहां सोई थी? एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? चीफ मिनिस्टर कहां था? 5 मई को एक वीडियो आता है, वीडियो देखने के बाद सबको पता चलता है वहां ये कुछ हो रहा है। शर्म आती है इस बात को बताने में भी क्या हो रहा है वहां पे। और हैरानगी की बात ये है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कहाँ है सिक्योरिटी है वहां पे, कहाँ है आपकी एजेंसीज, कहाँ है, क्या चीज है आपको कि वीडियो देखने के बाद आपको पता चलता है? और कहते हैं कि ऐसे बहुत से वीडियो है वहां पे। इसको लेके बड़ा शर्मसार है पूरा देश। जितना हमारा नाम, जो इस देश का नाम ऊंचा हुआ था पिछले 7-8 सालों में, एक झटके में हमारे माथे के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग गया है और हम फिर भी उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देश का कितना नुकसान, 3 दिन हो गए संसद बंद पड़ा हुआ, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो रही। अगर वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को आप बोलिए, बताइए, बयान दीजिए, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बयान देते, क्यों नहीं खत्म करते इस बात को? और आज की डेट में भी वहां लोग जंगलों में छुपे हुए हैं, बिल्कुल घर से बाहर रहे, सो नहीं रहे हैं। आज भी मणिपुर की जो लड़कियां थी उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया और अपनी कहानी बता रही है वहां पे क्या कुछ हो रहा है। आदर्श जी, बहुत ही दरिंदगी से भरा हुआ एपिसोड है और मैं आपको कहूंगी कि ये 4 मई को वारदात होती है, 18 जून को FIR दर्ज होती है, दोबारा दर्ज होती है 21 जून को, और फिर 19 जुलाई को ये जब वीडियो वायरल होती है, क्योंकि आपको पता है पिछले 3 महीने से मणिपुर और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद है, सस्पेंड की गई है सर्विसेज। मैं मानती हूँ वायलेंस है कुकी मेथी के बीच में, वो ST स्टेटस को लेकर, लेकिन आप औरतों को एक एज ए औजार नहीं ले सकते एक दूसरे की रंजिश निकालने के लिए। कहा तो यही गया, आपने देखा होगा, अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने यही बोला, उन्होंने कहा अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो हम करेंगे। हमने परसों एक कैंडल लाइट सेरेमनी की, इट वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट, क्योंकि एक हमारी वो सहानुभूति थी उन फैमिलीज के साथ जिस घर की इज्जत गई है, और तमाम उन सब के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है जब ऐसी हैवानियत भरी हुई ऐसी वारदात होती है तो सबका दिल कांपता है, दहला उठता है, और सबको, जिनके घर बच्चियां हैं, जिनके घर माएं हैं, बहनें हैं, सब है ना, उनको जरा एक परेशानी का आलम होता होगा। मैं भी एक, मुझे लगता है मैं सशक्त हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं सशक्त तभी हूं जब मैं सुरक्षित हूं। अगर मैं सेफ नहीं हूं तो मेरी एम्पावरमेंट का कोई फायदा नहीं आदर्श जी। लेकिन मणिपुर के अंदर तो तबाही है, आप देखेंगे मैक्सिमम मुझे लग रहा है 20 से 25 न्यूज चैनल्स के ऊपर सीमा हैदर कोई ऐसी चीज आई है जो हर वक्त वही एक कवरेज में है, और आज कोई नई कहानी आई है कि यहां से कोई उधर गया है पासपोर्ट लेके। मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया इंडियन मीडिया को, ये मतलब उनको क्या हो गया, आपको क्या, आप एक जम्मू रीजन में बैठकर ये सोच रहे हैं कि मुझे इस पर बात करनी है, तो जो नेशनल फुटेज ले रहे हैं, नेशनल TRP ले रहे हैं, उनको सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनको ये जो मणिपुर में आग लगी हुई है, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक 46 साल की औरत है, एक इसमें 21 साल की लड़की है जिसके फादर और भाई दोनों को मार दिया गया है। ये उन्होंने जब अपोज किया तो उनको उनके सामने मारा गया कि भाई हाउ डेयर यू अपोज दिस, देन दे वर नेकेड पैरेडेड, then they were committed upon this such, you know, नाम लेते भी एक हया आती है कि नाम बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं बोल नहीं पाया, बिल्कुल नाम नहीं लिया जाता। लेकिन आपने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वीडियो के वायरल होने के बाद पहला एक्यूज पकड़ा। यहाँ तो मुझे पता है यहाँ एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी हाथापाई होती है, पुलिस पहुंचती है। आपने कहा पहला एक्यूज पकड़ा, जी पहला नहीं, वो कह रहे जी वो मुख्य आरोपी कह रहे हैं। अरे भाई, वो मुख्य आरोपी सारे जो वहां खड़े थे, वो मुख्य आरोपी पुलिस वाले भी हैं, वो मुख्य आरोपी तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तक है, लेकिन आप कहते हैं मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। देखें आदर्श जी, ये बेवकूफ बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, वीडियो सामने है, यहाँ तो ढूंढने भी नहीं है,
चेहरे आइडेंटिफाइड है, ये तो उन्होंने ब्लर किया है जो विक्टिम है उसको, बाकी तो बड़े शानो शौकत से परेड कर रहे हैं उनको नेकेड तरीके में और उसके बाद घिनौनी हरकत कर रहे हैं, तो अब और कितने प्रूफ की जरूरत है? कोई मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता वीडियो, 800,000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे वहां मौजूद। लेकिन मुझे पता है, देखें आपने पूरे हिंदुस्तान के सीआरपीएफ के लड़के हर जगह लगाए हैं, उनकी जान की आपको किसी को परवाह नहीं, आपने जंगलों में भी, एम्बुश में भी, यहां भी वहां भी, तो वो कहां थे सारे? आपकी वहां की जो लोकल पुलिस है वो कहां थी? वो तो कह रही है लोकल पुलिस ने पकड़ के हम उनके हवाले किए। देखिए आदर्श जी, डिफरेंट डिफरेंट वर्शन है, लेकिन कहा यह गया है कि क्योंकि वो बहुत बड़ा जमगट्ठा था, एक मॉब था, तो पुलिस वाले चंद थे एक जिप्सी से भरे हुए, अगर उनके पास आर्म्स भी होंगे, अम्यूनिशन भी होगा, तो मैं मानती हूँ कि 4,000 लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन आपको नहीं पता कि वो इतनी सेंसिटिव एरिया है, वहां कितने लोग डिप्यूट करने हैं? आपने पूरे हिंदुस्तान से फौज उठाकर वहां भेजी है, प्लेटून की प्लेटून आप भेज रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना कैजुअल अप्रोच क्यों। मतलब आपने ये बहुत आसानी से बोला कि हर्ष, अब आज मैं देख रही हूँ नया मुद्दा उठ गया कि भाई आप गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहे, हिमाचल की क्यों नहीं कर रहे, बंगाल की क्यों नहीं कर रहे, वहां भी रेप हो रहे। शर्म आनी चाहिए हम सबको जो इस बात पे सियासत करते। मुझे ये लगता है इस पे ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, इसमें सबको पॉलिटिक्स चोला साइड छोड़ना चाहिए और एक तरीका निकालना है, सल्यूशन निकालना है कि कैसे अपनी लड़कियों को महफूज करना है। वही ना, एक राजस्थान में क्या हो रहा है जी, हम कहते हैं बिल्कुल गलत हो रहा है, अगर ये बात हो रहा है बंगाल में अगर हो रहा है, हम तो पूरे देश के नारियों की बात कर रहे हैं, उनको जब आप नारा देते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए इतना कुछ कहते हो, तो उनके साथ ऐसे हालात बने हुए, फिर हमारा कानून किस बात के, इसके ऊपर तो कानून, आप तो कानून की जानकार है, इनके लिए इनके लिए कानून भी तो बने हैं। आदर्श जी, कड़े से कड़े कानून है, आपको पता होगा कि एक, क्योंकि निर्भया से पहले एक शक्ति रोल मिल केस हुआ, हमारे हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा समाज को बचाने में। आप लोग कहते हैं जुडिशरी सशक्त नहीं है, जुडिशरी काम नहीं कर रही, लेकिन आपको पता है एक रोड बनने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाने से लेकर इंसान के राइट टू लाइफ, शेल्टर, फूड तक जुडिशरी प्रोवाइड कर रही है। जुडिशरी एग्जैक्टली एक जो एग्जीक्यूटिव का काम है ना, वो जुडिशरी कर रही है। अगर इस वक्त भी इस मामले में जुडिशरी चीफ जस्टिस साहब इंटरफेयर नहीं करते तो शायद नहीं होता। बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊंगी कि शक्ति रोल मिल केस हुआ, बहुत ही भयानक तरीके से वहां पर ये हरकत होती है। उसके बाद निर्भया तो सरकंडे लाने वाली और चौंकाने वाली थी, जो हर बाप बेटा, हस्बैंड बेटी, माँ, देखिए मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, रेपिस्ट इज ए रेपिस्ट, लेकिन आप हर आदमी को रेपिस्ट नहीं बोल सकते। औरत और आदमी जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। माँ शब्द तभी आया जब पिता है, पिता तभी आया जब माँ है। माँ अकेले माँ नहीं बन सकती, दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है। आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप एक रेपिस्ट, 4, 10, 15, 20, 100 रेपिस्ट के पीछे हर रिश्ते को गंदा ना करें। लेकिन निर्भया हुआ, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनती है और बोला जाता है जल्दी जल्दी अमेंडमेंट बताएं, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करनी है, क्योंकि ये तो आजाद घूमेंगे, ये तो हौसला अफजाई हो रही है कि ऐसा काम करो उसके बाद आजाद घूमो। अब उसमें आपको पता है जुवेनाइल था जिसने सुसाइड भी कर लिया रेफर्मेटरी होम के अंदर, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि जब कुछ ऐसे मामले हैं जहां उनका पलड़ा भारी हो, वहां आपने उम्र भी नहीं देखनी अक्यूज्ड की, मुलजिम की, आपने ये नहीं देखना कि वो 14 का है या 15 का, अगर उसकी ओरिएंटेशन क्रिमिनल वाली है तो उसको डील करें वैसा। ये कोर्ट कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपने सजाए मौत देनी है। मैं मानती हूँ लोगों के सेंटिमेंट है पब्लिकली हैंगिंग कर दो, ये कर दो, आप कानून बायपास नहीं कर सकते, लेकिन साल दो साल लगाने नहीं है इन केसों में, इन केसों में महीना दो महीने में स्पीडी ट्रायल। आपके पास वीडियो है, बंदे आइडेंटिफाइड है, छोटी सी कम्युनिटी है, वो गांव के गांव है जहां मजे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन रहता है, तो आपकी मंशा पे डिपेंड करता है। आपकी मंशा होती तो आपने स्टार्टिंग से ही बंदे पकड़े होते, आप ये नहीं बोल सकते कि वहां लॉ एंड ऑर्डर था तो हम वो एक्यूज नहीं पकड़े। हर दिन नई नई मणिपुर से अजीब और अजीब वीडियोज आ रही है, किसी लड़की को पहले मारा जाता है, फिर खड़ा जाता किया जाता है, फिर गन पॉइंट पे उसको किल किया जाता है। ये अब मुझे लगता है शायद वहां इंटरनेट सर्विसेज कहीं ना कहीं से मैनेज हुई हैं, और वो जो जितनी बर्बरियत आदर्श जी की जा रही है ना, मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे लग रहा है जैसे आइसिस है। मतलब आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतने सिली एक्सक्यूजेज ना दे कि हर स्टेट में होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं इस चीज में नहीं मानती कि किसी को रिजाइन कराओ, इसको कराओ,
हमारा काम नहीं है रिजाइन करवाना, हमारा काम है हमारी औरतों को सुरक्षित करना और ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी वारदातें अगेन रिपीट ना हो एट एनी कॉस्ट। मुझे ये तो तभी नहीं होगी अगर इनको सख्त सजा मिलेगी। बिल्कुल, अगर ऐसा ही रहा, हम एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, किसी राजस्थान पे आ गया, बंगाल पे आ गया, किसी और जगह पे आ गया, पर आरोप लगाने से क्या होगा? केसेस हैं, आपके सामने हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे आप हिस्ट्री बनाओ, ऐसी एक चीज सामने बनाओ, मिसाल एक कायम करो जो उसको बंगाल देख के थर थरा है, उसको राजस्थान देख के थर थरा है, बाकी जितनी स्टेट है उसको देख के थर थरा है। ये तो हम शुक्र गुजार है सुप्रीम कोर्ट में हमें ऐसे चीफ जस्टिस मिले हैं जो हर मामले में देख रहे हैं, एक मिनट में। उन्होंने कहा अगर आप नहीं करेंगे हम करेंगे, और उन्होंने कहा हम, मैं अपने भारत में बीइंग जुडिशियल हेड ऑफ द कंट्री, कर्ता ऑफ द फैमिली, मैं ये नहीं होने दूंगा कि हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को, माओं को, बीवियों को अब एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा टू ऑप्रेस द वीक। आप देखें कौन कौन बाप झुकेगा नहीं जिसकी बेटी को ऐसे कैप्चर किया जाएगा, कौन पति नहीं झुकेगा? वो पति, आपको पता होगा अगर जो 46 साल वाले हैं वो करगिल वॉर हीरो हैं, वही मैं कह रहा हूँ, वही सूबेदार है, सूबेदार है, और वो कहते हैं कि मैं जब मेरी बीवी मेरे पास आई, क्योंकि उनको ये था कि मार डालेंगे, ये बहुत बड़ी नियामत। आजकल आदर्श जी आपने देखा होगा, पहले घिनौनी हरकत करनी, ये पिछले 10-12 साल से ऐसा है, घिनौनी हरकत करनी, उसके बाद उसको मार भी डालना ताकि सबूत खत्म हो जाए। कानून में सबूत खत्म नहीं होते, आपको भी पता है भारत पुलिस बहुत सशक्त है, चाहे रातों रात मर्डर केस सॉल्व कर सकती है, कोई भी मिस्ट्री सॉल्व कर सकती है, लेकिन मंशा नहीं है। अब वो सूबेदार साहब बोलते हैं जिसके लिए पूरे भारत को एहतराम है, आप देखें उनको क्या, ये जो हमारे फौजी हैं कहां नहीं बैठे, जंगलों में बैठे हैं, तनख्वाहें घर वाले लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी एकदम अजाब है, धूप में खड़े होते हैं, बारिश में। वो बोलता है कि मेरे घर, मेरा घर गया, क्योंकि वहां आपको मतलब वायलेंस में घर जलाए जा रहे हैं, माल मवेशी मारा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, टोटल जिसको कहते हैं ना कि वायलेंस है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में। वो कहता है एंड में मेरा पैसा गया, माल मवेशी गया, घर गया, और मेरे घर की इज्जत भी गई। ये दिल दहलाने वाली बात है। ये मुझे लगता है कि तमाम, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को यही कहूंगी, प्लीज कीप योर पॉलिटिक्स असाइड, आप ये पॉलिटिक्स छोड़ें, ये सबके घर की, हाँ प्लीज आप छोड़ें, और आप ना बात करें कि यहाँ किया यहाँ किया यहाँ किया, थोड़े से सेंसिटिव हो जाएं अपनी बेटियों के लिए। अच्छा लगता है बेटी को पढ़ाओ भी, बेटी बचाओ भी, लेकिन अगर उसके बाद भी, आपको पता है दीज नॉर्थ ईस्ट जो ये स्टेट्स है ना, ये सारी बहुत मॉडर्नाइज्ड है, वहां की ट्राइब भी मॉडर्नाइज्ड है, क्योंकि चाइना का बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन उन लोगों को भी वहां तो सारा काम लेडीज करते हैं, बहुत ज्यादा लेडीज करते हैं। वहां लड़का लड़की में गया था, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वहां जो लेडीज चला रही है, और आदर्श जी वहां आदमी औरत में फर्क ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचें अगर बेटियां हमारी आज भी अगर पूछेंगी 2023 में भी कि हम सेफ नहीं है, तो आप मुझे बोले हमारे हमारे रहनुमा कौन है? हमारे रहनुमा घर वाले तो हैं, पर घर से बाहर भी कदम रखना है, बाहर पुलिस है, बाहर और लोग हैं जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज का फॉल्ट है, एजेंसीज के लैप्सेस हैं, जिनको उनको मानना पड़ेगा और अपनी गलती माने, और मैं कहती हूँ महज गलती ना माने कि दोबारा इंसिडेंट रिपीट ना हो। अब वो पब्लिकली फांसी दें प्रोसीजर ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करके, जो क्योंकि मुझे कभी लगता है कभी ना एक हद से बाहर निकलना पड़ता है, मैं मानती हूँ लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी, लेकिन डेटरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक किस्म की, मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर अब आकर पहला अक्यूज पकड़ा गया जिसको वो प्राइम अक्यूज कहें, क्योंकि कल तक परसों तक उन्होंने कहा था 5 अक्यूज पकड़े गए हैं, ठीक है, तो आप तो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि तुम 4 मई से लेकर जुलाई 2-2.5 महीने तक आजाद घूमो, गलत काम करो, बर्बरियत करो, दरिंदगी करो और आजाद घूमो। मुझे नहीं लगता पुलिस हमारी डरती है किसी से, मुझे नहीं लगता हमारी फोर्सेस डरती है किसी से, एक सेकेंड का काम है सबको कंट्रोल करना, लेकिन मंशा होनी चाहिए आपकी, आप अपनी बेटियों को ऐसे ही दरिंदों के सामने ना डालें, क्योंकि मुझे लगता है सबका दिल दहलता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन आप मुझे बोले कौन चाहेगा कि फिर मेरे घर बच्चा पैदा हो जिसकी ऐसी दशा होगी? तो मैं, मेरा इतना सा कंसर्न है कि लोगों तक, आवाम का जो आवाज है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए कि हमारी बेटियों को महफूज करो, सशक्त भी हो जाएंगी, पढ़ भी लेंगी अगर जिंदा रहेंगी। इससे बाकी स्टेट्स को भी कम से कम ये सीखना चाहिए कि कहीं वहां ना ऐसी चीज को रिपीट। बिल्कुल सर, मैंने कहा कि अगर वो मणिपुर ऐसा हो सकता है तो वो चल के इधर भी आ सकता है, जम्मू आ सकता है। आजकल कौन सी बड़ी बात है, फ्लाइटें हैं, ट्रेन्स हैं, बसें हैं, जिसकी जो दरिंदगी भरी सोच है, और सोच को तो एक सेकंड लगता है ट्रैवल होने में,
मैं मानती हूँ फिजिकली आना इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट एक दूसरे से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की भाई ऐसा करना है, ये बहुत सारे दरिंदों के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई अब तुम ये नए काम पकड़ो। अब अगर तुम्हें किसी से इस तरीके से रंजिश है, रिवेंज है, तो आप इस तरीके से अब रिवेंज लें ताकि कुंभे का कुंभा बदनाम हो जाए, बर्बाद हो जाए और आने वाली नस्लें, आप सोचिए कितना स्टिग्मेटिक होगा, कितना ट्रॉमेटिक होगा उस औरत को, उसको तो लगता होगा मैं मर गई हूं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको हिफाजत करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम एजेंसीज आती हैं, पुलिस होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, आप सशक्त हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औरतों के बारे में सोचना पड़ेगा 2023 में। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी पूरी सहानुभूति इस परिवार के साथ भी है और हम आपके साथ भी शाना बिशाना खड़े हैं सुप्रिया जी। जिस तरह से कल आपने कैंडल मार्च किया, कल को कोई भी कहीं भी आप इस सिलसिले में जहाँ भी चाहे हम आपके साथ को खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पर राजनीति ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। सुप्रिया जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।